कीमिया के फार्मूला दे दूंगा इनको। अच्छा ये एक्स्ट्रा एक्टोनेट शायद मिले के ना मिले, बनती खा चूने से अन क्रीम, वो भी मैं अपने बाबा एक्सपेरिमेंट चैनल पे इसके बनाने का तरीका बता दूंगा कि यानी वो चूने से एक्स्ट्रा एक्टोनेट क्या बनती, कैसे बनती है बिशनाक की। मैं आपको छोटा सा अमल देता हूँ, रंगीन पारा होगा, चरख भी खाएगा, हो सके तो इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा एसिड प्रूफ भी होगा और आप सब की गिरफ्त में होगा। कहीं से आपको जमीन आसमान ढूंढ के या पंसार से या मसलन केमिकल की आउट ऑफ कंट्री से केमिकल मंगाने की जरूरत नहीं होगी, उसकी आपकी उस पर गिरफ्त होगी। फिर कहता हूँ, सोना बने आपका नसीब है, चांदी बने आपका नसीब है, झूठी बात मैं नहीं करता। ये पारा कैमोनार होगा और इंशाल्लाह एसिड प्रूफ होगा, 5 तोले रखेंगे 6.5 तोले बरामद होगा और चक्कर भी खाएगा, दार रंग होगा उसका। सुन ले सिंपल सा नुस्खा, 5 तोले गंधक, 5 तोले पारा, 5 तोले नीला, 1 तोला वर्गिया। गंधक पारे की कजली कर ले, फिर इसमें नीला खरल करके 12 से 14 घंटे की खरलाई करें। खरलाई करने के बाद इसमें 1 तोला वर्गिया डालकर फिर इसकी 8-10 घंटे खरलाई करें। फिर इसे क्वार गंदल के टेप ना रस से रगड़ कर 3-4 तोले टेप रस लगाकर इसकी सख्त टिकिया बना ले, धूप में रख के इसे वट्टे की मानद कर ले, सख्त हो जाए। अब ले 4 किलो खाने वाला खुरदनी नमक, बेशक डले से पाउडर कर ले, टेलकम पाउडर करके लोहे की कड़ाही में 1.5 किलो नमक नीचे बिछाए, ऊपर टिक्की रखे, 2.5 किलो नमक ऊपर डालकर पहाड़ी नमक चोटी बना दे, रख दे चूल्हे पे, पहले हल्की आग फिर तेज आग फिर तेज आग, आग बढ़ाते जाए, जो एंड वाले 7 घंटे होंगे टोटल 24 घंटे में फुल चूल्हा खोल दे, इतना के चूल्हा खोले के नीचे वाला 1.5 किलो नमक चरख आ जाए। जब वो आप निकालेंगे आपको वट्टा सा बरामद होगा 70-80 ग्राम का, उसे उठाकर चक्कर दे, सुनहरी रंग का पारा बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। यार सवालों का जवाब देने का तो मुझे मजा आता, आप करते ही नहीं, सवाल सुन ही जाते हो बस बातें। बाबा जी, इसका रंग ज्यादा